हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेके आए हैं पंजाब की एक मशहूर डिश शरला। आपने पहले नहीं खाई होगी और ये सर्दियों में ही बनती है, नए आलू से बनती है। मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई है तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। ये देखिए, मैंने 4 से 5 नए आलू ले लिए, उनको बहुत महीन पीस कर लिया, इनका बहुत बारीक पीस में इनको काट लिया और एक बार बॉईल कर लिया हल्का सा, ताकि उसमें कच्चापन ना रहे और वो मैश भी ना हो, इस तरह से टूट जाए। तो ये हमने आलू को बॉईल कर लिया है और स्ट्रेन कर लिया है इसका एक्स्ट्रा वाटर। 1 कप हमने बेसन लिया है, जितना हमें जरूरत होगी उतनी हम यूज करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक लिया है, देगी मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1/4 टीस्पून, अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून, और ये हमने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, गार्निश करेंगे। 1 चम्मच हमने ग्रेटेड अदरक ले लिया है, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, और ये मैंने 1/4 कप मेथी को अच्छे से बारीक काट लिया है, पहले धो लिया, उसको अच्छे से साफ कर लिया और काट लिया है। ये मैंने हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, जो मैं अंदर इसमें भी डालूंगी बैटर में, और गार्निश करने के लिए भी रखा है। और गार्निशिंग के लिए मैंने ये 2 चटनियाँ, इमली की और हरे धनिए की चटनी, और ये मूली के लच्छे लिए हैं। तो इनकी दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है फॉर डीप फ्राइंग। ये हमने बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसमें हम डाल रहे हैं ये आलू जो हमने बारीक काटा है और हल्का सा इनको बॉइल कर लिया, पार बॉइल है। बहुत टेस्टी लगता है और सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म स्नैक खाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, नया है। ये सारे हम मसाले डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, और 1/4 कप ये कटी हुई मेथी है, इसको डाल देंगे। आप मेथी की जगह पालक यूज कर सकते हैं, अगर आपको मेथी का फ्लेवर ज्यादा पसंद नहीं है तो पालक काट सकते हैं, धनिया भी यूज कर सकते हैं, ये हरा हरा दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और केवल आलू से भी बना सकते हैं। अदरक हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। अब डालेंगे हम इसमें नमक हम डाल चुके हैं, अब डाल रहे हैं हम बेसन। पहले हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स करके देखते हैं, हाथ से ही हमको मिक्स करना है। पानी अगर चाहिएगा तो हम यूज करेंगे, क्योंकि आलू में भी थोड़ा पानी है और मेथी में भी पानी है। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और इसको एक बाइंडिंग बाइंड हो जाए, बस उस तरह से लेके आएंगे, ये इस तरह से बाइंड होना शुरू हो जाए, सारा मिक्स हो जाए, और हम फिर नमक भी इसका टेस्ट कर लेंगे। नमक मिर्च जो भी आपको चाहिए वो इस समय आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, और ये आप ऐसे करके देख लें कि बाइंड हो रहा है। बहुत ज्यादा हमें बेसन नहीं लगाना है, नहीं तो वो पकौड़े जैसा लगेगा। ये देखिए ये ऐसे बाइंड हो जाए ना इस तरह से, तब बस हमारा ये बैटर जो है वो तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं। और मैंने इसमें 2 पिंच हींग भी डाल दिया है। और ये देखिए हमने इसको ऑयल लगा लिया है झारी को। इसके बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूं। ये आप इसको प्रेस नहीं करेंगे झारी पे, और इसको बस ऐसे रख देंगे। ये स्मूथ नहीं होता है, ऊपर से कहीं से आलू दिख रहा है, कहीं से कुछ बेसन दिख रहा है, मेथी दिख रहा है, बहुत प्रेस नहीं करना है, और इसको ऐसे गोल हम कर देंगे। और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इसको ऑयल में ऐसे छोड़ देंगे, यानी ऑयल इतना होना चाहिए ताकि ये हमारा जो है डिप हो जाए, ये जो आपकी झारी है वो पूरे से डिप हो जाए। और ऑयल को अब हम धीमा कर देंगे, बिल्कुल स्लो गैस पे हम इसको पकाएंगे, और हम 2-3 मिनट तक इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए इस टाइप से होना शुरू हो गया है, इसको हमें और ब्राउन करना है, धीमी आंच पे इसको पकाना है। आलू पके हुए हैं, बेसन बहुत कम यूज किया है तो वो अंदर से पक जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। ये एक नए तरीके का आपका नाश्ता हो गया, शरला इस तरह से बनाते हैं। और मैं आपको दूसरी भी एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि इस पे से उतारना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये थोड़ा तैयार हो गया है।
अब हम इसको यहां ले आते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा चिपक जाता है और निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप नाइफ के सहायता से ऐसे इसको निकाल सकते हैं। और मैं इसका इजी तरीका भी आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, परफेक्ट है ना, बढ़िया। तो इसको फिर हम एक बार ऐसे डाल के सेक लेंगे, या आप चाहें तो जब आपको खाना है तब आप इसको सेक लें। एक बार दोनों तरफ से पलट के हम इसको उलट पलट के सेक लेंगे। अभी देखिए और थोड़ा ब्राउन हो गया है, ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो ये हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। यमी यमी शरला बनकर तैयार है। ये फोटो में कभी कभी डार्क आता है, अदरवाइज आप इस एंगल से देखिए, डार्क नहीं है, बहुत अच्छे से सिका हुआ है। अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। जैसे मैं दही बड़े बनाती हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगाते हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी ये मुश्किल ना हो उतारने के लिए। थोड़े छोटे बन जाएंगे, कोई बात नहीं, और बिना प्रेस किए हुए हम हल्का सा इसको ऐसे चारों तरफ से, कहीं गैप ना हो, ऐसे करके इसको दबा लेंगे और इसको कढ़ाई में डायरेक्ट छोड़ देंगे। ये देखिए कुछ ही इस तरह से हो जाएगा, और इसको भी हमें छुड़ाना है, यानी दोनों तरफ से इसको हल्के से चाकू से कट करके इसको छुड़ा लेंगे और इस तरह से इसमें दोबारा से डल जाएगा। थोड़ा ये भी मुश्किल लगा, मैं फिर एक और तरीका आपको बताती हूँ। हम लगाएंगे हाथ पर तेल और इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे हाथ पर ही, बहुत स्मूथ नहीं करेंगे कटलेट की तरह। ये सबसे आसान तरीका आपका रहेगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। और ये हम सीधा डालेंगे कढ़ाई में। आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे बना लेते हैं सारे और करते हैं इनकी प्लेटिंग। और जो हमारा ये राइस स्पून से बना था, वो मैं आपको दिखाऊं कुछ किस तरह का बना है। ये देखिए, कोई फर्क नहीं है, वही उबड़ खाबड़ उसी तरह से बना हुआ है। ये देखिए, राइस स्पून वाला भी बहुत अच्छा रहा, बस उसमें क्योंकि पानी लगा होता है तो छींटे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बनाते हुए। और ये जो हमने हाथ से बनाए हैं, अभी हम सेक रहे हैं इनको, सिक जाने देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इस ट्रिक से किसी ने आपको नहीं बताया होगा, हाथ से भी आप इसको बना सकते हैं। इनको ब्राउन होने देते हैं, इस समय हम इनको उतार लेंगे क्योंकि कुछ रखे रखे भी ये लाल होते हैं। तेल निथारते हुए प्लेट में निकाल लेंगे और ये बहुत बहुत यम्मी लगते हैं। आप इनको ब्रेड में लगाकर भी खा सकते हैं। तो अब इनकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए, ये आपको फोटो में ऐसे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखाऊं, देखिए शेड, ये कलर है इसका, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिए हैं, क्रिस्पी हैं बेहद, ये देखिए बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत यमी हैं। अब इसको आप इमली की चटनी के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए। उस बीच में मैं एक सर्व करके दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने ये ले लिया है, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा चाट मसाला, सभी के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चाट मसाला आप सभी पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। चाट मसाला डाला, ऊपर से डालिए मूली के लच्छे, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी,
और कुछ धनिए की पत्ती से हम इसको गार्निश करेंगे। ये बन जाता है हमारा मूली के लच्छे के साथ यमी यमी शर्ले खाने का एक तरीका। ये देखिए लग रहा है ना यमी, आप फोटो में अच्छे से देखिए, ब्लैक आ रहा है, मुझे नहीं पता आज किस लिए, लेकिन वैसे बहुत अच्छा बना है। ये हमारा चाट की तरह से तैयार है, और ये आप ब्रेड में भी, आप एक पीस को ब्रेड में दबा के भी खा सकते हैं। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। परफेक्ट, देखिए।